हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक गुप्ता, आप जानते ही हैं। और मैं खड़ा हूँ बाहर डीवाई पाटिल कोल्हापुर के, और घूम के आया भी मैं अंदर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लोकेशन वाइज एक्सटेंड लोकेशन, कोल्हापुर एक स्वीट्स पर बिग टाउन है, नॉट स्मॉल लाइक सांगली, डेफिनेटली नॉट बिग लाइक पुणे और नागपुर और बॉम्बे, उन सबसे छोटा है, पर शायद महाराष्ट्र का पाँचवा या छठा बड़ा शहर होगा। और बिल्कुल एक तरह से पुणे और गोवा के बीच में पड़ता है। यहाँ से गोवा भी 250-250 किलोमीटर है और पुणे भी, तो जो वही फेमस रोड है पुणे टू गोवा, उसके ऊपर पड़ता है कोल्हापुर शहर, और उस हाईवे से सिर्फ 3-4 किलोमीटर अंदर ये कॉलेज आ गया। तो बहुत इजी लोकेशन है, कोल्हापुर में एयरपोर्ट भी है, बड़ा स्टेशन है, जितनी भी ट्रेन्स हैं जो जाती हैं वो यहाँ से होके गुजरेंगी, तो एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी इजी। डीवाई पाटिल का फ़ायदा ये है, फीस इज़ रीजनेबल, 20,66,000 रुपये फीस है, हॉस्टल प्लस मेस इज़ 1,30,000। और ये मुझे बताया, अभी दो बच्चे मिले MBBS के, जिनमें से एक ने मेरे वीडियोस पहले देखे हुए थे, तो बहुत डिटेल में बताया उन्होंने। तो 22,00,000 × 4.5 एग्जैक्टली वही 99,00,000, यानी 1 crore का आपका पैकेज पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात है, इसमें जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल है, सेकेंड ईयर से मिलता ही नहीं है, हॉस्टल की अमाउंट कम है, रूम्स कम है, तो सेकेंड ईयर के बाद बच्चों को PG में रहना पड़ता है। और इसीलिए अगर आप पीछे देखोगे, आपको दिखाएंगे अभी, तो आसपास बहुत सारे अपार्टमेंट बने हुए हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। 1,25,00,000 रुपये हॉस्टल प्लस मेस, जैसा मैंने बोला, गर्ल्स के लिए फिर भी अवेलेबल है, जबकि गर्ल्स हॉस्टल एक है, बॉयज़ हॉस्टल दो है, बट हम सभी जानते हैं इतने महंगे कॉलेजों में अक्सर बॉयज़ आते हैं, सो काउंट उनकी ज़्यादा रहती है। UG PG दोनों चलते हैं, पुराना कॉलेज है, आप गूगल भी करेंगे, सो द बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ कोल्हापुर DY पाटिल है, जैसा भी है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और शहर का बेस्ट है। प्लस सरकारी स्कीमों की वजह से हर तरह का पेशेंट आता है, फिर भी जो OPD है, इट विल नॉट बी लाइक अ सरकारी, इट मे नॉट बी लाइक कस्तूरबा, और मे बी, मैं हमेशा कहता हूँ, जॉली ग्रांट, लेकिन हाँ, 600-800 पर डे की OPD है, सब कुछ अच्छा है, 1 crore का पैकेज है, जैसा मैंने कहा। थोड़ा सा वही बात है कि महाराष्ट्र कल्चर स्टार्ट हो चुका है, मराठी कल्चर, तो हिंदी बोलने में दिक्कत होगी। अब हम उस बेल्ट में आ चुके हैं, फिर भी ये हाईवे पे है, तो हिंदी भी सब लोग समझ रहे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। जिन दो बच्चे मिले, दोनों महाराष्ट्र थे, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे थे, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहते तो चले गए। और जैसे मैंने कहा, अंदर में घूम फिर के आया, अंदर इंफ्रा हॉस्पिटल बहुत सुंदर बना रखा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, 1 crore में इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, बट मैं हमेशा कहता हूँ, 1 crore में, दिस वर्सेज जॉली ग्रांट, ऑफकोर्स जॉली ग्रांट, दिस वर्सेज गुरु राम राय, ऑफकोर्स गुरु राम राय, दिस वर्सेज, अगर आपको स्टेट कोटा से राजस्थान का मेकर अंदा मिल जाए, दोस्त अच्छा है। MMU सोलन, और मैं इसको कंपेयर करूँ, फिर भी सोलन में एक फ़ायदा है, मुलाना से कंपेयर करूँ, मुलाना इज़ मोर हैपनिंग, पर मैं शाम को आया हूँ, आते आते 5:30 बज गए, OPD का टाइम खत्म हो चुका था। जैसा मैंने कहा, बच्चे बाहर रहते हैं, सो दैट्स अ नेगेटिव थिंग ना, वो हॉस्टल की लर्निंग नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बाद बाहर रहोगे, तो अपने अपने शेल्स में, अपने अपने कमरों में रहोगे। तो जब हॉस्टल में रहते हो तो उसके पॉजिटिव्स होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम आए बेंगलोर में पढ़े थे, तो हॉस्टल लाइफ ऑल्सो टीचेज यूर लॉट। सो ऐसी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए DY पाटिल कोल्हापुर का यही है कि इसमें हॉस्टल अवेलेबल है ही नहीं, अगर आप लेना चाहोगे तो भी। इस तरह की ही सटीक जानकारियों के लिए हम आपके लिए अवेलेबल हैं, नंबर आपको पता ही है, 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप जानते ही हैं कि मैं बात करने का, मीटिंग का भी चार्जेस लेते हैं, इसलिए हम टेलीकॉलिंग नहीं कराते, हम SMS नहीं भेजते, और हमारा जो लॉजिक है MBBS पैकेज का, 30,000 से 1.5 लाख, उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो की आप ज़रूर देखिए। और हमसे तभी संपर्क कीजिए जब आप क्वालिटी वर्क अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए लेना चाहते हैं, ऑप्टिमल सीट लेना चाहते हैं। देखिए, हमेशा एक बेस्ट कॉलेज और ऑप्टिमल कॉलेज में फ़र्क होता है। बेस्ट तो हम सभी को पता है कि मेरे DY पाटिल पुणे इज़ वेरी गुड, 1.25 crore रुपये खर्च करेंगे, तो भाई लॉजिक है। अब जैसे मैंने कहा, DY पाटिल कोल्हापुर अच्छा है, लेकिन ये जो हॉस्टल वाला एंगल है, ये मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा, क्योंकि एज ए स्टूडेंट इट इज़ गुड व्हेन यू स्टे इन हॉस्टल्स विद योर सीनियर्स बोथ इन MBBS एंड PG, एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम ऑन ए डे टू डे इंटरेक्शन, समथिंग विच यू गेट अ लॉट इन MMU सोलन और एनी रेजिडेंशियल कैंपस, चाहे वो राजस्थान के कॉलेजेस हों, चाहे वो उत्तराखंड के कॉलेज हों, चाहे कुछ UP के कॉलेजेस हों। उसके मुकाबले ये जो हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, ये मेरे लिए नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल ही नहीं है सेकेंड ईयर से बॉयज़ के लिए, और फर्स्ट ईयर में भी वो आपको ऑप्शन देते हैं, अगर आपको लोकल गार्जियन बता दो तो आपको छोड़ देते हैं, और फर्स्ट ईयर के बाद तो आपको चाकर भी नहीं मिलेगा, तो इट्स ए वेरी नेगेटिव थिंग। कोल्हापुर है, महालक्ष्मी जी का बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर, और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, स्वीट स्मॉल टाउन है, गोवा यहाँ से 4 घंटा दूर है, तो जब भी लंबी छुट्टी हो, यू कैन गो एंड एंजॉय देयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, और शायद ये इस टूर का लास्ट वीडियो, टेक केयर।